हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक से ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। इसकी फुल प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से एक प्रभावी तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखोगे, उसके कुछ ट्रिक और टिप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें फुल मार्क्स की गारंटी भी रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल बाकायदे प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र है, वो भी ऋण हेतु। ठीक है, तो आपको प्रार्थना पत्र ऊपर लिखना के बाद यहां पे सेवा में लिखना है। सेवा में ब्लैक पेन से लिखने के बाद एक कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहां से, ठीक है, कुछ दूरी पर प्रबंधक को अगर आप लिख रहे हो तो प्रबंधक को, और जिसको भी आप लिख रहे हो यहां पे उसको लिख देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद उस बैंक का क्या नाम है इसको लिख देना है। जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, नेशनल बैंक, जो भी आप जहाँ भी देना चाहते हो उसका नाम लिखने के बाद, अब देखो चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे वो बैंक स्थित है, जिस जगह पे, ठीक है, उस जगह का नाम लिखने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया जाता है। इतना काम करने के बाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो इसमें जान फूंक देता है, इसमें विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब विषय से क्या होता है कि जो बैंक प्रबंधक होते हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये जो प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया है ये किस संदर्भ में दिया गया है। तो बैंक से ऋण लेने हेतु ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ये भी ब्लैक पेन से हाईलाइटेड रहे जिससे कि वो आसानी से देख ले और इस चीज़ को समझ जाए कि ये बैंक से ऋण लेने हेतु मुझे प्रार्थना पत्र मिला है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से महोदय लिखने के बाद एक कामा लगा देना और ये महोदय सेवा में जो लिखे उसकी करेक्ट नीचे होना चाहिए, सेवा में के करेक्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है, जस्ट इसके नीचे होना चाहिए और यहाँ पे एक कामा लगाने के बाद, कामा छोड़कर यहाँ से आपको लिखना है, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021 में जो भी आपका विद्यालय अवध विश्वविद्यालय से, अब देखिए यहाँ से लिखने के बाद जो इसकी दूसरी लाइन लिखेंगे वो महोदय के जस्ट नीचे होना चाहिए ना, ये चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ से विश्वविद्यालय से बीए की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके बाद आवश्यक प्रपत्र भरवाकर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इसके बाद देखो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आप नहीं करते हो, यहाँ पे आपको दिनांक देना है। ठीक है, और दिनांक किस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10 दिसंबर 2022। ठीक है, आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है, पहले तो आपको जो दिन है उसको लिखने के बाद उस महीने को इस तरह से हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद 2000 जो वर्ष चल रहा है उसको लिख देना है। इसके बाद प्रार्थी, प्रार्थी लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप बैंक प्रबंधक को वास्तव में दे रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे। अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क ख ग घ लिख देना है। ठीक है, नाम को नहीं डिनोट करना है और आप जहाँ के हो, ठीक है, अगर आप जहाँ के हो वहाँ का लिखने के बाद अपने ज़िले का नाम लिख देना है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका प्रार्थना पत्र कहीं रिजेक्ट नहीं होगा और देखने वाला भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा। बिल्कुल आपको साफ सुथरा प्रार्थना पत्र लिखना है और प्रत्येक अक्षर से अक्षर की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए, क्योंकि आपकी राइटिंग थोड़ा पुअर भी है तो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से आप लिखोगे तो 100% फुल मार्क्स भी पाओगे और एक प्रोफेशनल तरह का ये प्रार्थना पत्र है। तो मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।